नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर की MGM पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बालीगुमा साई नगर निवासी बबीता देवी के घर पर ग्रहण वेदन का खुलासा करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपियों में आदितपुर केदुगांच के पास रहने वाला गोपाल दास और उलूडी निवासी धर्मदेव शर्मा शामिल है। पुलिस ने इनकी निशानदेही में चोरी का लैपटॉप, नगद और गहने बरामद किया है। बबीता देवी अपने परिवार के साथ वो बालीगुमा साई अपार्टमेंट की तरफ रहती है, तो घर गई थी छठ में। 5 तारीख को जब घर से वापस आई तो सामान सब ताला टूटा हुआ था घर का और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो देखी कि घर से मेरा सामान चोरी गायब है और लैपटॉप, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब गायब है। फिर वो यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की थी। हम लोग त्वरित ढंग से उसका अनुसंधान करते हुए इस चोरी में जो अभियुक्त है गोपाल दास चौड़ा और धर्मदेव कर्मा शर्मा, ये दोनों को गिरफ्तार किए। दोनों के पास से चोरी का लैपटॉप और ऑर्नामेंट बरामद हुआ है। और भी एक अभियुक्त इसमें फरार है, जिसके पास में भी कुछ और सामान होने की संभावना है, वो भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और सामान बरामद हो जाएगा। फरार अभियुक्त का नाम क्या है सर? वो अभी उचित नहीं होगा बताना, क्योंकि उससे उसको पूर्वाभास मिल सकता है। गिरफ्तारी होने पर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। क्या चोरी का पूरा सामान बरामद हो गया? लगभग सामान बराबर है। कुछ सामान अभी जो भागा हुआ चोर है उसके पास में है, जिसको हम लोग टारगेट किए। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।